है फाइंड आउट दैट बी इज आउटसाइड योर क्लिपिंग विंडो, ठीक है, एंड इट्स कोड वॉज दिस एंड वी हैव फाइंड आउट इन द प्रीवियस वीडियो दैट इट इज द इंटरसेक्शन अलॉन्ग द वाई एक्सिस. तो वाई आई जो है आपकी वैल्यू क्या है, वाई आई विल बिकम इक्वल टू वाई मैक्स, ठीक है. तो अब एक्स आई की वैल्यू मेरी कैसे फाइंड आउट होगी, एक्स आई विल बी एक्स वन प्लस वाई आई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एम, ठीक है. तो अब इसकी स्लोप निकालेंगे हम सबसे पहले. तो स्लोप की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो दैट विल कम अप टू, दैट विल बी कमिंग एज योर 8 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस ऑफ माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. ओके, ये आपकी स्लोप है. तो अब मैं उसी इस वैल्यू को इसमें एक्स आई में पुट कर देंगे हम. तो एक्स आई की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, एक्स आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 प्लस 6 माइनस 8 इंटू 4 बाई 3, दैट विल कम आउट टू एज 1.3. तो आपके एक्स आई एंड वाई आई कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट जो मेरे निकले वो हो गए 1.3 एंड सॉरी 1/3.6, ठीक है. तो ये मेरा पहला इंटरसेक्शन पॉइंट निकल चुका है. अब हमें ये चेक करना है कि वेदर इट इज इन दी विजिबल रीजन और नॉट. तो हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसकी भी रीजन कोड निकालेंगे, ठीक है. तो जब हम इसका रीजन कोड निकालेंगे, बिट 1 बिट 2 बिट 3 एंड बिट 4 यूजिंग द मेथड विच आर शोन इन द प्रीवियस वीडियो, तो आपकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इट विल दिस फर्स्ट वैल्यू विल कम एज जीरो, ऑल द वैल्यूज विल कम एज जीरो, ठीक है. ऑल द वैल्यूज आर रीजन कोड ऑफ दिस इज 0000. सो वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, ठीक है. विजिबल ऑन स्क्रीन मीन्स इट इज एन इट कैन बी द इंटरसेक्शन पॉइंट. सो द लाइन विच इज विजिबल, सो द लाइन विजिबल ऑन द स्क्रीन विल बी फ्रॉम, जो आपका ए पॉइंट था डेट इज -1.5 टू 1.3.6, ठीक है. तो आपकी लाइन जो है वो -1.5 से 1/3.6 तक ही विजिबल होगी, ठीक है.